ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूं, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि 13*45=29, 24*58=41 तथा 74*32=53 हो तो 97*47 का मान क्या होगा। दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो स्टार वाला सिंबल है ना, यहां पे ध्यान दीजिए, जो सिंबल है यहां पे स्टार वाला आपको दिख रहा है, यहां पे कोई भी सिंबल दे सकता है, ठीक है। तो आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंबल क्या दे रहा है। तो सिंबल का मतलब यह जोड़ घटाना गुणा भाग आपको नहीं, यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना है दोस्तों, 13 और 45 को हम क्या करें, जोड़ दे, घटा दे, गुणा कर दे, भाग कर दे, आपस में जोड़े, इस प्रकार से आप कुछ भी करके दोस्तों 29 लाइए, और उसी प्रकार से 24 और 58 को दोस्तों हम करेंगे तो 41 भी आना चाहिए, उसी प्रकार से दोस्तों 74*32 को करेंगे तो 53 भी आना चाहिए। अगर जो सेम पैटर्न पे आ रहा है तो उसी पैटर्न पे इसका हम आंसर दे देंगे, 97*47 का, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका समझा रहा हूं, 13 और 45 को क्या करेंगे कि 29 हो जाए, आपको यह सोचना है, ठीक है। तो दोस्तों 13 और 45 अगर आप जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 4 1 5 58 होगा, 29 नहीं हो रहा है। लेकिन क्या दोस्तों हम 58 को 29 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर इसको हम 2 से भाग कर दे यानी आधा कर दे, तो आधा करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 29 होगा, 29 होगा ना, और देखिए 29 दिया है, ठीक। इसी प्रकार से आगे वाले को भी देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है कि नहीं, 24 और 58 जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 5 2 7 1 8 82 होगा, 82 को दोस्तों जब 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 41 41 होगा, देखिए 41 यहां पे दिया हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से आगे वाले को देखिएगा, 4 2 6 होगा और 7 3 10 यानी 106 हुआ, 106 को 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 53 होगा, देखिए 53 भी यहां पे दिया हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा उसका भी हम आंसर देंगे, 7 7 14 का 4 हासिल 1 9 4 13 1 14 यानी 144, 144 को 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 72 होगा, यानी कि 97*47 का मान क्या होगा, 72 होगा। देखिए 72 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, और जो नए स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम के लिए आप जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से दोस्तों 82 का संबंध 36 है, उसी प्रकार से दोस्तों 91 का संबंध किससे होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, और हम आपको पहले बता दें दोस्तों यह क्वेश्चन जो है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यह प्रश्न बहुत बार रिपीट किया है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप ये देखेंगे 82 को हम क्या करें कि 36 हो जाए, आपको ऐसे सोचना है। तो 82 को क्या करें कि 36 हो जाए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिएगा अभी हम आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। 82 को 36 करना है, 82 आप ये देखिए किन संख्याओं से मिलकर बनाए, क्या करेंगे दोस्तों 82 देखेंगे किन संख्याओं से मिलके, 8 और 2, तो आप क्या करिए 8 और 2 का अंतर करिए, यानी कि 8 में से 2 को कम कर दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या होगा 6। अब आप क्या करिए, ये जो 6 आया तो आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 36 होगा, देखिए 36 यहां पे दिया हुआ है, देख रहे हैं, देखिए एक बार और समझाता हूँ, समझिएगा 8 2 से मिलकर 82 बना है, 8 2 का अंतर 6 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36। इसी प्रकार से 91 है ना दोस्तों, ये 91 9 और 1 का अंतर क्या होगा, 9 में से 1 को कम कर दीजिए, क्या होगा 8। अब क्या करिए दोस्तों, ये जो 8 आया इसी 8 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 64 64 होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 64 होगा। देखिए क्या किसी ऑप्शन में 64 है, देखेंगे हाँ ऑप्शन नंबर डी में 64 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा,
देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, एक बार और समझाता हूं, कुछ भी नहीं करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 82 है 8 2 से मिलके, 8 2 का अंतर करेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 दे दिया। 91 है 9 1, 9 1 का अंतर करेंगे तो यानी 9 में से एक कम करेंगे 8 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। देखिए ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा प्रश्न हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा पहले। प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या का मतलब दोस्तों सम विषम नहीं। यहां पे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं अरे पहला ही विषम है, दूसरा विषम है, तीसरा विषम है, चौथा विषम है। विषम का मतलब दोस्तों अलग भिन्न, यानी तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, उसकी पहचान करना है। ठीक है, इस प्रकार से तो आप इसको सम विषम के आधार पर भी देख सकते हैं। तो सम विषम के आधार पर देखेंगे तो सभी संख्याएं विषम है, तो आंसर तो कोई नहीं होगा। सम संख्या अगर ये होता तीन संख्याएं विषम है एक सम है तो आंसर हो जाता, या दोस्तों ऐसे हो सकता एक सम है तीन विषम है तो ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, यानी कि एक सम या विषम हो, अन्य सम या विषम हो, इस तरह से हो सकता था, लेकिन ऐसे नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा संख्याओं को, ध्यान से देखिए 121, 133, 153 है और 177। आप ऐसे सोचिए संख्याओं को क्या करें कि इसमें अलग मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पे अभाज्य और भाज्य पे देखेंगे तो ये संख्या अभाज्य नहीं है, भाज्य ही है। और ये जो आपकी संख्या है दोस्तों ये भी किसी से कटेगी नहीं कटेगी, ये तो तीन से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 100 ये है, ये भी तीन से कट जाएगा। ठीक है, भाज्य अभाज्य के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाज्य अभाज्य के आधार पर आप नहीं सोचेंगे, यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा पहले आप दोस्तों क्या करेंगे, आप उस तरह से सोचेंगे। ध्यान दीजिए कैसे सोचना है आपको, हम बता रहे हैं, आप सोचिए पहले स्क्वायर के तौर पे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन इसका आंसर दिया गया था, तो हम आपको बता रहे हैं पहले आप स्क्वायर और क्यूब के अनुरूप सोचेंगे, देखेंगे क्या इस संख्या है पहले स्क्वायर है या क्यूब है। तो देखेंगे दोस्तों ये जो 121 है ये क्या है दोस्तों, 11 का स्क्वायर है। ये किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब है, नहीं है। ये किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब है, नहीं है। ये किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब है, नहीं है। ठीक है, यानी इसमें कौन संख्या स्क्वायर है दोस्तों, 121 देखने पे क्या लग रहा है, ये स्क्वायर है, तो ये इसमें अलग हो जाएगा। बाकी सब संख्याएं किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब नहीं है। ठीक है, अगर जो तीनों में से कोई और स्क्वायर होता तो हम क्या करते, दूसरा रूल अपनाते। ठीक है, पहले समझने का प्रयास करिएगा, इसमें क्या है दोस्तों, जो 121 है ये 11 का स्क्वायर है, बाकी कोई संख्या स्क्वायर का क्यूब नहीं है, इसलिए ये तीनों से अलग है 121। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, देखिए स्क्वायर के नियम पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या दोस्तों क्यूब के नियम पे। ठीक है, किसी का पावर घन यानी पावर 3 कर दे उसे क्यूब बोलते हैं, घन घन के भी नियम पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो ही टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्वायर होगा क्यूब होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और भी इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इसका क्या है 121 है, और ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे प्रश्न हम आपको पहले भी कराए हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे भी देखते कोई संख्या होती सिर्फ एक ही संख्या से कटती है, एक ही संख्या से कहने का मतलब है, जैसे दोस्तों ये वाला है, आप देखिएगा ये 177 है ना, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 3 9 27, ये भी 153 है ना, 3 से कट जाएगा। ठीक है, बाकी अन्य संख्याएं 3 से नहीं कट रही है। ठीक है, अन्य संख्याएं भी अगर इसमें से कोई 3 से कटता एक नहीं कटता तो उस तरह से भी हम आंसर दे सकते थे। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो इस पर और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। अभी इसको समझ लीजिएगा क्या है दोस्तों, ये 11 का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन तीनों से अलग है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बोर्ड मास रूल पे सॉल्व होता है, ऐसे प्रश्न हम आपको पहले भी कराए हैं, एक बार और समझाते हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका समझा रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं, समझने का प्रयास जरूर करिए। क्वेश्चन है
यदि गुणे का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणे है और भाग का अर्थ माइनस है, तो 6 × 4 − 5 + 2 / 1 बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको बस सिंबल चेंज करना है, उसके बाद बोर्ड मास रूल अपनाना है, ठीक है। तो 6 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 6 गुणे का अर्थ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे गुणे है ना, गुणे का अर्थ बोल रहे हैं दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे कर देंगे हम प्लस, 6 + 4 हो जाएगा, फिर माइनस है, माइनस का अर्थ बोल रहे हैं गुणे, तो गुणे कर देंगे दोस्तों 5, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों गुणे हो गया ना माइनस की जगह, फिर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोला है प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस का अर्थ भाग है, तो यहां पे कर देंगे भागे, अब यहां पे क्या होगा 2, अब यहां पे भाग है, भाग का मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों, भाग का अर्थ बोल रहा है माइनस, माइनस 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास रूल समझ रहे ना, बोर्ड मास वाला आपको समझाया भी पहले, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, ये चीज समझ गए। देखिए अब आपको क्या करना है, 6 + 4 × 5 भागे है तो इसको बटा 2 कर लीजिए, इसका मतलब यही तो हुआ माइनस 1, ठीक है। अब देखिए आप कटा भी सकते हैं 2 से, ये 2 × 4 ये कट जाएगा ना, समझ रहे हैं ना, अब गुना भी कर सकते हैं तो ऐसे भी होगा, देखिए हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 + 2 = 10 − 1, अब क्या करेंगे जोड़ेंगे, 6 और 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा 16 और माइनस क्या है 1, 16 में से जब एक कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं 5 को 2 से कैसे भाग करें, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आसानी से कट भी जाएगा और 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 15 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है आपका, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, प्रश्नों को नोट जरूर करिए। टेलीग्राम को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पे भी हम प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। अभी हम आपसे दोस्तों लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे भी एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा एसएससी मेकर सर्च करके, कोई भी क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगी, आप वहां से भी डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें दोस्तों ये भी क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर, कहां पर संख्या गायब है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पहले संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, 6 है, 19 है, 58 है, क्वेश्चन मार्क है, यही ना। अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, 6 से क्या हुआ दोस्तों 19 हुआ, तो 6 से 19 कैसे होगा दोस्तों, गुना के सेंस में सोचिए, 6 × 3 + 1 6 × 3 = 18 = 19, ठीक है। इधर देखिए अब यहां से 19 से क्या हो गया 58 हो गया, 19 × 3 19 = 57 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 58, समझ रहे हैं। अब इसी प्रकार से आगे चलिए दोस्तों, 58 × क्या करेंगे दोस्तों 3 + 1 करेंगे, तो 58 में 3 से गुना करेंगे तो 3/24 हासिल क्या होगा दोस्तों 3 × 2 = 15 ठीक है, ये हो गया 174 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 175, यानी यहां पे कोष्टक में क्या होगा दोस्तों 175 होगा, यानी क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 175 होगा। देखिए 175 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर 175 होगा, आप गुना करेंगे 3 बार उसके बाद 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 6 × 3 = 18 = 19 19 + 57 = 57 = 58 58 + 174 और 174 में 1 जोड़ेंगे तो 175 यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लग रहा है लाइक शेयर करिए, फिर भी आपको किसी चैप्टर या टॉपिक में प्रॉब्लम है उस चैप्टर या टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर दोस्तों हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए अब आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है।